सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक और बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर, जो इस बार निकली है यूपी स्वास्थ्य विभाग में। दोस्तों यूपी स्वास्थ्य विभाग ने एक नया नोटिस जारी किया है, जिसके तहत वे मेडिकल फील्ड की कई पोस्ट को भरने जा रहे हैं, जिनके लिए टोटल 8000 से ज़्यादा खाली पद है। कैंडिडेट जो अपने आप को एलिजिबल समझते हैं वो इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी स्वास्थ्य विभाग की इस रिक्रूटमेंट के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या पोस्ट हैं जिन पर आपको अप्लाई करना है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या एप्लीकेशन फीस आपको जमा करनी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या डेट्स हैं जिनसे पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरकर भेजना है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यूपी स्वास्थ्य विभाग में यह भर्ती निकली है, जहाँ पर पोस्ट के नाम है स्टाफ नर्स, ओटी टेक्नीशियन, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, जीएनएम, फार्मेसिस्ट, नर्स मेंटर, नर्स इंचार्ज और अन्य। यहाँ पर 8000 से ज़्यादा खाली पद कैंडिडेट्स के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। पे स्केल की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स को ₹36,100 पर मंथ प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दें, बात अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो कैंडिडेट का 12th पास होना आवश्यक है। प्लस इसके साथ साथ ही कैंडिडेट्स को किसी रिलेवेंट फील्ड में मेडिकल डिग्री और डिप्लोमा का होना भी आवश्यक है। अब हम आपको एज लिमिट के बारे में बता दें तो कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस आप ऑफिशियल नोटिस से रीड कर सकते हैं। बात अगर सिलेक्शन प्रोसेस की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। अब हम आपको डेट्स बता दें जिनसे पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड सभी डेट्स बहुत जल्द जारी होने वाली है। अब फाइनली हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को लॉग ऑन करना है यूपी स्वास्थ्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को, जो कि है upnrhm.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है, उसमें से पूरी डिटेल रीड करनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आप सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप इस भर्ती से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी भी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।